हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज के वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार छोटे छोटे या बड़े बच्चों का भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें ग्रेजुएशन के बाद में, ट्वेल्थ के बाद में यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, या फिर सर हमें यूपीएससी क्या है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये एग्जामिनेशन लेती है, क्या होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत रफ आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने, सुनील अधिकारी हाजिर है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी से जुड़े सारे फैक्ट, मैं आपको बताने वाला हूं ए टू जेड सारी डिटेल मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म, बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर एट्थ क्लास का बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा सर यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या है और इसको कैसे दिया जाता है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, राइट। सबसे पहले फुल फॉर्म, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये वर्क्स अंडर, मतलब किसके अंडर में वर्क करती है भाई ये बॉडी, किस लिए बनाई गई है, किसने बनाई है। रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर GOI, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट मतलब ये भर्ती देती है, या लोगों की जब भर्ती मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर वैकेंसी कम हो जाती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो ये नौकरियां प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वर्क करती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट ये प्रोवाइड कराती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नौकरियां प्रोवाइड कराती है। कौन सी पोस्ट के लिए? ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ये सबसे रिनॉन्ड या टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। पूरा बच्चों क्लियर? अब ये रिक्रूटमेंट कैंडिडेट फॉर, अब ये जो ग्रुप ए और बी में कौन कौन सी पोस्ट आती है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले सर्विसेज देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है यूपीएससी, सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडरे के लिए भी ये रिक्रूटमेंट करती है, और आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ये तीन कैटेगरी में जितने भी जॉब्स ए और बी की जॉब्स आती है उनके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक जॉब देख लेते हैं। आईएएस एग्जामिनेशन नाम सुना है अपने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ये एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए भी यही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईईएस इकोनॉमिक सर्विसेज, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये आर्म्स वगैरह के लिए है, आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, राइट। 12th के बाद जिसको भी करियर बनाना है अपना, NDA वगैरह है ये भी अपना एयरफोर्स नेवी मिलिट्री के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है, NDA वगैरह जो होता है 12th के बाद ही दे सकते हैं, CDS के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, राइट। ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ऐसे ही एग्जामिनेशन वेरियस 24 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट करती है कौन? यूपीएससी। पूरा बच्चों क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अगर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर कहां है यूपीएससी का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जहां से ये सारी अपनी सर्विसेज को ऑपरेट करता है। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? चलिए यूपीएससी की एग्जामिनेशन की स्टेजेस देखते हैं, राइट। क्योंकि यूपीएससी में समझ लिया हमने कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, जिसमें ये सारी पोस्ट आती है। यहां तक क्लियर हो रहा था? हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसा एग्जामिनेशन होता है, राइट। यहां पर बेसिकली हमारे तीन स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस? तीन स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है प्री एग्जामिनेशन, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? यहां बेसिकली अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो 400 मार्क्स का यहां पेपर होता है। दो पेपर होते हैं, एक जीएस का, जनरल स्टडीज का, दूसरा सी सेट बोला जाता है, जिसको क्वांटिटेटिव का या एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, राइट। तो यहां पर प्री एग्जामिनेशन जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर टोटल 9 पेपर्स होते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? यहां पर 9 पेपर होते हैं मेंस में। अब आप बोलेंगे सर हमें आईएएस बनना है, उसके लिए भी क्या ये पैटर्न, आईपीएस के लिए भी पैटर्न।